बेगूसराय में बिहार पुलिस पदाधिकारी का मानवीय चेहरा उस वक्त देखने को मिला जब बिजली ट्रांसफार्मर पर बिजली मिस्त्री करंट की चपेट में आकर ट्रांसफार्मर में फंस गया था और लोग उसे बचाने के लिए उतार रहे थे। तभी वहां से गुजर रहे एक डीएसपी ने अपनी गाड़ी से उतारने में न सिर्फ मदद की बल्कि उसे अपने वाहन से सदर अस्पताल पहुँचाया। इतना ही नहीं, पेशे से डॉक्टर रह चुके डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद ने वाहन में घायल बिजली मिस्त्री का सीपीआर भी किया जिससे उसकी जान बच गई। दरअसल शहर के कचहरी रोड स्थित श्री कृष्ण सिंह कॉम्प्लेक्स के पास ट्रांसफार्मर ठीक करने के दौरान रजौड़ा निवासी मिस्त्री श्रवण तांति करंट के चपेट में आ गया और पोल पर झूलने लगा। यह देखकर सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ लग गई और एक घंटे के लिए यातायात बाधित हो गया। इसी दौरान स्थानीय तीन युवकों ने तुरंत पोल पर चढ़ गए, मूर्छित अवस्था में मिस्त्री को उतारने का प्रयास करने लगे। इसी क्रम में तेघड़ा डीएसपी डॉक्टर रविंद्र मोहन प्रसाद एसपी कार्यालय अपने वाहन से जा रहे थे। लोगों की भीड़ देखकर उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी लगाई तो स्थानीय लोगों ने उन्हें एम्बुलेंस बुलाने का अनुरोध करने लगे। इस पर डीएसपी ने कहा, हमारी गाड़ी है ना, और तुरंत अपनी गाड़ी को ट्रांसफार्मर के नीचे लगा दिया जिसके ऊपर चढ़कर कई लोग पोल पर लटक रहा मिस्त्री को उतारा गया और डीएसपी के गाड़ी के पीछे लिटा दिया गया। इस दौरान डॉक्टर रविंद्र प्रसाद जो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी है, उन्होंने तुरंत पीसीआर देना प्रारंभ कर दिया और पीसीआर देते हुए सदर अस्पताल के आईसीयू वार्ड तक पहुंचाया और उसे तुरंत भर्ती कराया। इस दौरान बिजली विभाग को समय पर सूचना मिल जाने के कारण तुरंत लाइन भी काट दिया गया था। ये हमारे डीजीपी सर और बिहार पुलिस की ही मंशा है कि जो पुलिस की छवि है वो पब्लिक के बीच ठीक रहे और पुलिस पब्लिक की हेल्प करने के लिए है। हम लोग का कर्तव्य बनता है। उसी कर्तव्य के दौरान जब मैं यहाँ आ रहा था और रास्ते में देखा कि ट्रांसफार्मर पे एक आदमी लटका हुआ, लोगों ने मुझे रोका, कहा कि सर एम्बुलेंस को बुला दीजिए। मैंने बोला एम्बुलेंस का क्या वेट करना, आप इसको उतारो, इसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने उसको उतारा और मैं प्रोफेशन से डॉक्टर भी हूँ इसलिए मैं जानता था कि इसको सीपीआर की नीड है। हमने अपने गाड़ी में रखकर उसको सीपीआर भी दिया, उससे उसको हल्का होश भी आया। उसके बाद तेजी से जाकर हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा दिया और एडमिट करते समय देखा मैंने कि वो होश में आ गया था। बाकी डॉक्टर की टीम अपना काम करेगी।